तो सो लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक ब्रॉक लेसनर जल्द ही WWE में रिटर्न करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर की WWE में लास्ट अपीयरेंस पिछले साल के समरस्लैम में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच में थी। अब रेसलमेनिया खत्म होने के बाद भी फैंस ब्रॉक लेसनर की WWE में रिटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में WWE के किसी भी प्रोग्राम में ब्रॉक लेसनर का मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाने ग्रांड द्वारा विंस मैकमैन और जॉन लॉरेंटिस के खिलाफ लॉसूट में लेसनर भी शामिल थे। पॉल हेमन के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के दौरान ब्रॉक लेसनर को वीडियो में भी नहीं दिखाया गया था। रेसलमेनिया 40 की नाइट वन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेसलनॉमिक्स के ब्रांड अध्यक्ष ने ट्रिपल एच से WWE में ब्रॉक लेसनर की करंट स्टेटस के बारे में पूछा। इसके लिए ट्रिपल एच ने जवाब दिया कि ब्रॉक लेसनर को इस साल के रॉयल रंबल में वापसी करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ट्रिपल एच ने कहा कि ब्रॉक लेसनर अभी भी WWE में है और वह कॉन्ट्रैक्ट पर है। ट्रिपल एच ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कब लौटेंगे, लेकिन अभी भी लेसनर होम पर है। ब्रॉक लेसनर के बारे में यह एक मेजर स्टेटमेंट था, क्योंकि कई फैंस ने सोचा था कि उन्हें WWE से निकाल दिया गया है। चूंकि ट्रिपल एच ने कहा कि ब्रॉक लेसनर अभी भी WWE में है, इसका मतलब है कि वे केस के फाइनल वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रिपल एच के ऐसा कहने के बाद कई न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट दी कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही WWE में रिटर्न कर सकते हैं। अब ड्रू मैकइंटायर CM के साथ एक नई फ्यूड शुरू करेंगे और उसके बाद वह वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस जीत लेंगे। तो दोस्तों, आप इस ओवर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।